नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। से चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। सपा ज्वाइन करना चाहती है साक्षी मिश्रा, अखिलेश से मांगा समय। बलिया में पत्रकार की हत्या, 6 आरोपी गिरफ्तार, प्रभारी निरीक्षक निलंबित। भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले नेता लोटन नाम निषाद की छुट्टी, सपा ने छीना पद। इलाज में इस्तेमाल दास्तानों को दोबारा बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा कोरोना पॉजिटिव, इलाज के लिए हुए आइसोलेट। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना, कहा यूपी में दोगुनी रफ्तार से भाग रहा अपराध। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद। गुजरात में बहकर अब तक 9 लोगों की मौत, 78 लोगों को बचाया गया। यूएस के विस्कॉन्सिन में अश्वेत व्यक्ति पर पुलिस फायरिंग के बाद बवाल, बुलाए गए नेशनल गार्ड्स। दलित समाज के 40 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार, ऊंची जाति के खेत से बच्ची ने तोड़ा था फूल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में इमारत गिरी, 2 की मौत, 18 के फंसे होने की आशंका, मौके पर एनडीआरएफ। प्रशांत भूषण ने कहा कि बेहतरी के लिए उठाता हूं आवाज, चीफ जस्टिस के कद कमतर करने के लिए नहीं। गुवाहाटी में देश के सबसे बड़े रोपवे का हुआ उद्घाटन। आरकेएस भदौरिया ने कहा कि वायुसेना में भविष्य बनाने में मदद करेगा माई आईएएफ मोबाइल ऐप। महाराष्ट्र के ठाणे के 17 निजी अस्पतालों ने कोरोना मरीज से 1.82 करोड़ रुपए अधिक वसूले। आदित्य ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी से परीक्षाएं स्थगित करने की मांग की। विशाखापट्टनम में क्वारंटीन सेंटर में लगी आग से मची अफरा तफरी। मशहूर अमेरिकी गायक जस्टिन टाउन्स अर्ल का निधन, 38 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। कभी एक ही वक्त भोजन कर पाती थी सारिका, गरीबी की जंजीरें तोड़कर जीता अर्जुन अवार्ड। जैस आईएसआई ने की रावलपिंडी में बैठक, अलर्ट पर भारत की खुफिया एजेंसियां। नीलम झेलम नदी पर बांध के निर्माण के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, पीओके में प्रदर्शन। ट्रंप के पश्चिम एशिया शांति प्रस्ताव पर जोर देने के लिए इजराइल पहुंचे पोम्पियो। चीन को चुनौती, अमेरिका ने हिंद महासागर में तैनात किए बम वर्षक। पाकिस्तान में मिनी ट्रक और वैन की टक्कर होने से 10 लोगों की मौत। आईआईटी बॉम्बे का अनोखा दीक्षांत समारोह, अपने छात्रों को वर्चुअल माध्यम से किया सम्मानित।